साल हा साल तक सदियों तक मुसलमानों की जो हुकूमतें रही हैं वो खिलाफत कहलाती थी, खिलाफत राशिदा सबसे आला, उसके बाद पर खिलाफत बनू उमैया, खिलाफत बनू अब्बास, खिलाफत हुंदलुस और फिर बिल आखिर खिलाफत उस्मानिया, जो जिसका मरकज तुर्की था, वहां पर खलीफा हुआ करता था। ये सारी खिलाफतें जितनी भी थी इसमें बेशुमार कौमियतें थी। अरबी बोलने वाले इसमें, तुर्की बोलने वाले इसमें, फारसी बोलने वाले इसमें, और न जाने कितनी जबानें। ये खिलाफत उस्मानिया जो थी ये इसमें यूं समझो कि तकरीबन आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत, सारे ममालिक उसके जरिए नहीं, हिंदुस्तान जो हमारा आज पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब खिलाफत उस्मानिया के माते हैं। और इस वहदत का नतीजा ये था कि तमाम मुसलमानों का सारी दुनिया पर एक रौब था, एक धाक थी, और उसके नतीजे में कोई मुसलमानों पर बुरी निगाह डालने की जुरत नहीं कर सकता। यूरोप के बड़े बड़े ममालिक वो सब खिलाफत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे, खुलफा, उनकी मन्नतें किया करते थे, उनको खुश रखने के लिए उनके पास तोहफे भेजा करते थे। ये इतनी बड़ी सल्तनत उस वक्त कायम थी। और मैं ये नहीं कहता कि तमाम हुक्काम ठीक शरीयत पर अमल करते थे, उसमें बहुत से हुक्काम ने खिलाफत के इदारे को गलत भी इस्तेमाल किया और उसमें बहुत सी बदअमालियां भी हुई, लेकिन बहसत मजमूई सारी मुसलमान दुनिया इकट्ठी थी, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन का एक मुजाहरा थी। लेकिन क्योंकि मगरबी ताकतें और इस्तेमारी ताकतें ये समझती थी कि जब तक ये मुसलमान कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद है, ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद है, तो हम दुनिया के अंदर इन पर गलबा नहीं पा सकते। लिहाजा उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जान तोड़ कोशिशें की और साजिशें तैयार की, और उन साजिशों के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया जो मुसलमानों के इत्तेहाद की एक अजीम अलामत थी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अफसोस है कि ये टुकड़े टुकड़े कोई दुश्मन नहीं कर सकता था, हमारे अंदर ही मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग पैदा किए जो इस खिलाफत उस्मानिया के जवाल का बाइस बने और जो खिलाफत उस्मानिया के मुनकिर बने। हम इस खिलाफत को नहीं चाहते, खुद मुसलमानों ने अरबों में अरब लीग खड़ी कर दी। अरब लीग उसने कहा कि जी हम तो अरब हैं, अरबी जबान बोलते हैं, हम तुर्की जबान बोलने वालों के साथ कैसे बैठें, उनको अपना हुक्मरान कैसे तस्लीम करें। वो अरब लीग करके अलग हुए। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में पैदा कर दिया गया और उसने कहा कि हम तुर्क कौम हैं, लिहाजा हम अरबों के साथ कैसे मिल सकते हैं। उसने अपना वहां पर तुर्क कौमियत का झंडा बुलंद कर दिया और उसके नतीजे में दीन के दरवाजे बंद कर दिए, मस्जिदों में अजाने बंद, अरबी में अजान देना ममनू हो गया, और जबरदस्ती लोगों को टोपी, तुर्की टोपी के बजाय हैट पहनाया गया, उस पर बाकायदा जंग लड़ी गई। जो हैट नहीं पहनता था तो वो उसका कत्लेआम हो जाता था, बाकायदा जंग हुई इस पर, हैट मार कहलाती है, हैट की जंग। वो करना जबरदस्ती कि तुर्की टोपी उतारो और हैट पहनो, और सारे इस्लामी कवानीन को खत्म करके उसने स्विट्जरलैंड से कानून दरामद किया और वहां का कानून उसमें नाफिज कर दिया। तो ये दुश्मनों की
तो बराई के अब ये अलग अलग हो गए, पारा पारा हो गए। शाम जो एक सूबा था खिलाफत उस्मानिया का, छोटा सा सूबा था शाम, उसके चार हिस्से कर दिए, उर्दुन, शाम, सूरिया जिसको कहते हैं, लबनान, फलस्तीन। एक छोटा सा मुल्क, छोटा सा सूबा, उसके अंदर चार मुल्क। भाई ये चार मुल्क किस बुनियाद पर हैं? इनकी जबानें अलग हैं? नहीं। इनकी नस्ल अलग है? नहीं। इनके इनका कल्चर अलग है? नहीं। सब एक जैसे हैं, लेकिन ये उर्दुन है, ये सीरिया है, ये लबनान है, ये फलस्तीन है। इस बुनियाद पर, यानी कौमियत की बुनियाद पर भी नहीं, बल्कि जाती मफादात की बुनियाद, अहिस्से बखरे कर दिए। एक भाई को उर्दुन में बिठा दिया, एक भाई को इराक में बिठा दिया। गरज ये उस वक्त से हम, जब से खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ, जवाल हुआ, उस वक्त से मुसलमान पारा पारा हो। इकबाल मरहूम ने हिलाल ईद, ईद के चांद को खिताब करते हुए एक नज़म कही है, तो उसका एक शेर है कि चाक करदी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, चाक करदी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की दे, कौरों की अय्यारी भी दे। तो वो कबा जो खिलाफत की सारे मुसलमानों को इकट्ठा की हुई थी, वो तार तार कर दी। उसके बाद से देख लो जो मुसलमानों के ममालिक का हाल है, वो आपके सामने है, उसकी सूरत हाल बताने की जरूरत नहीं। आज फलस्तीन में हम, इसराइल बैठा है, और फलस्तीन अपने वतन के अंदर, वतन के अंदर अजनबी है, बाहर से आने वाले जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर, यहूदियत की बुनियाद पर इसराइल की सल्तनत कायम की, वो बालादस्त हैं और हम जेर नगीन। ये सूरत हाल सारे दुनिया में मुसलमानों की जो पैदा हुई, वो खिलाफत उस्मानिया के जबाल से हुई, उसके सुकूत से। क्योंकि उखुवत का मैयार वो दीन न रहा, इस्लाम न रहा, ईमान न रहा, बल्कि कौमियतें होंगी।